होशियार, शहंशाह आलम, ताजे मुगल सल्तनत, बादशाह हिंदुस्तान, हुजूर जलालुद्दीन मोहम्मद दीवाने आम में तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। फरियादी को पेश किया जाए। कहो क्या चाहते हो तुम? इंसाफ चाहिए। इस सल्तनत में शहंशाह एक है, परचम एक है, फिर कायदे कानून अलग अलग क्यों? हमें हमारे धर्म बदलने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? मैं इसी सल्तनत में रहता हूँ, सारे कर चुकाता हूँ, कोई गुनाह नहीं करता हूँ। गुस्ताख, शहंशाह के सामने तमीज से बात करना नहीं जानता? सिपाही हो, इसे यहाँ से ले जाओ, इसे कैद खाने में बंद कर दो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। किस तरह के शहंशाह हैं आप? गलत क्या कहा उन्होंने? नियम तो राजा और प्रजा सबके लिए बराबर होते हैं। आपने एक हिंदू रानी से ब्याह किया, उन्हें अपना धर्म बदलने पर मजबूर तो नहीं किया, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? दीवाने आम में फरियाद रखने की इजाजत मिलने का मतलब ये नहीं कि तुम गुस्ताखी कर बैठो। शहंशाह के फैसले पर सवाल उठाकर गुनाह किया है। अच्छा है, नई बेगम को खबर तो कि नाफरमान हिंदुओं के साथ जलाल कैसे पेश आते हैं। ना केवल तुम गुस्ताख, शहंशाह पर सवाल उठाने के गुनहगार भी, और इसकी सजा है इन्हें बामुशक्कत कैद खाने में डाल दिया जाए। और हम चाहते हैं कि लोग चीखे सुने, मिसाल कायम हो इन्हें देखकर, ताकि कभी भी कोई भी शहंशाह की तोहीन करने की हिमाकत ना कर सके। बड़ा अन्याय हो रहा है यहाँ पर। जो सहायता मांगने आया उसे कारागार में डाल दिया, वो भी बिना किसी दोष के। बालक पर भी दया नहीं आई शहंशाह को। बेगम जोधा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी कौम के नहीं है, गैर है ये, और गैरों के साथ गैरों जैसा ही बर्ताव किया जाता है। मेरे लिए क्या आदेश है आपका? सजा सिर्फ उनकी जो गुनहगार है। तुम अपने घर जा सकते हो। कैसा घर बादशाह? आपके सिपाहियों ने तो हमारा घर छीन लिया। एक गाय थी जिसका हम दूध पीते थे, वो भी छीन लिए। इसी के लिए हम आपके पास आए थे, क्योंकि राजा तो धरती पर भगवान का रूप होता है ना, और आपने तो हमारे माँ बाबा को ही कैद कर लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास रहूंगा? तुम्हारा वालिद हुमायूं कहने को तो हमारा भाई है, लेकिन गद्दी के लिए वो हमारी जान का भी दुश्मन बन चुका है। इससे पहले कि वो कामरान का खून बहाए, हम उसे फना कर देंगे।
जलाल को हम। ये क्या कर रहे हैं आप? हट जाइए बेगम, ये सियासी मामला है। बच्चों पर सियासत नहीं खेली जाती। आप दोनों भाइयों की जंग में इस मासूम जलाल का क्या कसूर? पहले तो आपने इसे इसके वालिद से छीना और अब इसकी जिंदगी छीन लेना चाहते हैं? नहीं, हम इस बेकसूर को कोई भी सजा पाने नहीं देंगे। बेगम! मामूली सी चोट है जलाल, अगर इतने मामूली से जख्म के लिए तुम इतना रोओगे तो बादशाह कैसे बनोगे? जख्म की वजह से नहीं रो रहे हैं हम, हमें अम्मी और अब्बू की याद आ रही है। तुम्हारे अब्बू बादशाह हुमायूं और तुम्हारी वालदा हमीदा बानो दुश्मनों के डर से इस वक्त न जाने कहां भटक रहे हैं, मगर तुम हमारी हिफाजत में हो बेटे। हम हैं तुम्हारे वालदेन की जगह। जलाल सिर्फ हमारे जिम्मेदारी नहीं है, हमारे जिगर का टुकड़ा है ये। तो क्या हुआ इनके वालिद वालिदा इनके पास नहीं है? हम हैं, हम हैं इनकी अम्मी जान। बच्चे के वालदेन को रिहा कर दिया जाए। इसका घर, इसकी जायदाद सब कुछ लौटा दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? शहंशाह अपना फैसला बदलते नहीं है। अधम! के लिए उसकी जिंदगी में वालदेन की क्या अहमियत होती है, यह हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। भले ही अपने वालदेन के बगैर वो पूरी दुनिया को फतह कर ले, लेकिन फिर भी अंदर से अकेला होता है। हर कोई हम जितना खुश नसीब नहीं जिसे खान बाबा और बड़ी अम्मी मिल जाए। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी बिना अपने वालिद और वालदा के बगैर बसर करे। भले ही शहंशाह के लिए उसका फैसला बदलना गलत हो, दीन और ईमान वाला आदमी होने के नाते हम इस बच्चे को इसके वालदेन लौटाएंगे, पर हमें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अपने घर जाओ बच्चे, और अपने अब्बू अम्मी से कहना कि भले ही शहंशाह ने उन्हें सजा दी हो, लेकिन खुदा के बंदे ने उन्हें माफ कर दिया है।